हेलो फ्रेंड्स, टेक ट्रैवलॉग्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अजीत और मैं आज आपको दिखाऊंगा MGRJ टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा। इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन सब कुछ दिखाऊंगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर देना, ताकि हमारे वीडियोस के सब नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, लेट्स अनबॉक्स इट। ये मैं अमेजोन से परचेस किया था और ये मेरे को कीमत पड़ा था 299। इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। नाउ लेट्स अनबॉक्स इट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये MGRJ सिंस 1987 लिखा हुआ है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास प्रोवाइड करता है फॉर मोबाइल वॉच कैमरा एंड एक्सेसरीज। ओके, नाउ लेट्स अनबॉक्स इट। दोस्तों देखिए, ये बॉक्स खोलने पर आपको फर्स्ट एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, जो कि राउंड शेप में है। ये बेसिकली कैमरा के लेंस के लिए है। ओके, नेक्स्ट है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये कैमरा के फ्रंट स्क्रीन के लिए है। ओके, ये है प्राइमरी स्क्रीन के लिए। ठीक है, ये है MGRJ के तरफ से एक कार्ड। नेक्स्ट है ये 3 क्लीनिंग क्लोथ्स है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ये तीनों डस्ट एब्जॉर्बर। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये 3 अल्कोहल स्वैप फॉर योर 3 स्क्रीन। और लास्ट में है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर MGRJ स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉलेशन। इसके द्वारा आपका जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को ऐसे इसको चिपक के उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर में ऐसे बिठाना है, ताकि ये पूरा एज टू एज बैठ जाए। ठीक है, तो दोस्तों यही था इसका अनबॉक्सिंग। अभी चलिए इसके इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो फर्स्ट आपको ये जो अल्कोहल स्वाब है, इससे ये जो स्क्रीन है इसको साफ करना है। दोस्तों देखिए, ये अल्कोहल स्वैप से इसको साफ करने के बाद आपको ये जो क्लीनिंग क्लोथ है, ये क्लीनिंग क्लोथ से साफ करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ये अभी साफ हो गया है। अभी इसके ऊपर में ये जो डस्ट एब्जॉर्बर है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, ताकि अगर कुछ डस्ट रहे तो ये क्लीन हो जाएगा। ओके, अभी ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है अभी अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ये जो होल्डर है इसको ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद ये जो स्टिकर है इसको खोल लेना है और फिर इसको ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा एज टू एज बैठ गया है। अभी इसको क्लीनिंग क्लोथ से इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है। दोस्तों देखिए, ये साफ हो गया है और ये एकदम एज टू एज अच्छी तरह से बैठ गया है। ओके, सिमिलरली ये जो लेंस है और ये जो प्राइमरी स्क्रीन है, इसको लगाना है। दोस्तों देखिए, ये एज टू एज बैठ गया है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
दोस्तों देखिए ये मैं साफ कर दिया। अभी सिमिलरली ये जो प्राइमरी स्क्रीन है इसके ऊपर में हम अप्लाई करेंगे। अभी ये क्लीनिंग क्लोथ से साफ करते हैं। दोस्तों देखिए नाउ इट्स फुल्ली क्लीन। अभी स्क्रीन गार्ड अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखिए ये फुल एज टू एज बैठ गया है। अभी इसको ये क्लीनिंग क्लोथ से साफ कर लेना है। दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है। अभी किसी भी जगह पे बबल्स नहीं है। तो दोस्तों यही था इसका इंस्टॉलेशन। अभी चलिए इसका रिव्यू पे आते हैं। तो ये मैं स्टिल 60 डेज इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये 60 डेज इस्तेमाल करके ये मेरे को जो लगा है इसका फर्स्ट क्लोज है ये 9H स्क्रीन हार्डनेस पर आता है जो कि बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ है। तो ये आपके कैमरा के जो स्क्रीन है तो अच्छी तरह से स्क्रैच से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इस स्क्रीन प्रोटेक्टर का जो एजेस है वो एक राउंड शेप में आता है जो कि कंफर्ट एंड एक्सट्रीम क्लैरिटी आपको देता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है इसको अप्लाई करने के बाद इस कैमरा के ऊपर जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने के बाद ये कैमरा के ऊपर में टच रिस्पॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दोस्तों अभी इसका कॉन्स पे आते हैं। इसका फर्स्ट कॉन्स है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आप 2 से 3 साल यूज करने के बाद इसको आपको चेंज करना है क्योंकि एक स्क्रीन प्रोटेक्टर का बेसिकली एज होता है 2 से 3 साल। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद 3 साल आराम से इसको यूज कीजिए, उसके बाद आप इसको चेंज कर, ठीक है। दोस्तों इसका लास्ट कॉन्स है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर का सेलर है MGRJ। ये MGRJ क्लेम करता है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने के बाद आप इस कैमरा को अंडर वाटर लेके जा सकते हो, उसमें ये स्क्रीन प्रोटेक्टर डैमेज नहीं होगा। मगर ये दोस्तों मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, यही था इसका रिव्यू एंड यही था इसका प्रोज एंड कॉन्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक करना और इस वीडियो से रिगार्डिंग और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाले वीडियो का सब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। फिर मिलेंगे गाइस एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।